गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत पाठ्यपुस्तिका से पाठ 4 लट लकार प्रथम पुरुष अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों को पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपने पिछले पाठ में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द रूप के साथ लट लकार धातु का प्रयोग पढ़ा है। आज हम नपुंसक लिंग के साथ लट लकार धातु का प्रयोग पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम यह समझेंगे कि नपुंसक लिंग क्या है। बच्चों, जिन शब्दों के द्वारा न तो स्त्री जाति का बोध हो और न ही पुरुष जाति का बोध हो, उन्हें नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। जैसे आम्रम, फलम, पुस्तकम आदि। नपुंसक लिंग में भी 3 वचन होते हैं बच्चों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और शब्द रूप भी कैसे चलेगा? फल का शब्द रूप देखिए, फलम, फले, फलानी। फलम का अर्थ हुआ एक फल, फले का अर्थ हुआ दो फल, फलानी का अर्थ हुआ अनेक फल। अब हम पाठ को पढ़कर समझेंगे। अर्थ पर ध्यान दीजिए बच्चों। रेल यानम धावती, इसका अर्थ हुआ रेलगाड़ी दौड़ती है। चक्रम भ्रमती, चक्रम का अर्थ होता है पहिया, पहिया भ्रमती मतलब घूमता है, पहिया घूमता है। तत् भ्रमती, तत् का अर्थ हुआ वह घूमता है। वाहनम चलती, वाहन चलता है। फलम पतती, फल गिरता है। पतती का अर्थ है गिरता है। तत् पतती, तत् का अर्थ हुआ वह गिरता है। वायुयानम उत्पत्तती, वायुयान उड़ता है। आम्रम पतती, आम गिरता है। पुष्पम विकसती, फूल खिलता है। वाहने चलता, ये अब द्विवचन में आ गया शब्द रूप, तो धातु रूप भी हमारी द्विवचन में लगी है। ध्यान से देखिए, वाहने चलता, दो वाहन चलते हैं। फले पतता, दो फल गिरते हैं। ते पतता, ते का अर्थ हुआ वे दो, पतता मतलब गिरते हैं, वे दो गिरते हैं। रेल याने चलता, दो रेलगाड़ी चलती है। चक्रे भ्रमता, चक्रे मतलब दो पहिए घूमते हैं। ते भ्रमता, ते का अर्थ है वे दो घूमते हैं। अब हम बहुवचन देखेंगे बच्चों। रेल यानानी का मतलब होता है बहुत सारी रेलगाड़ियां, और चलंती का अर्थ होता है चलती हैं। बहुवचन का रूप देखेंगे, रेल यानानी चलंती, कई रेलगाड़ी चलती हैं। चक्राणि भ्रमंती, कई चक्र घूमते हैं। तानी भ्रमंती, यहाँ पे तानी का अर्थ हुआ वे सब, भ्रमंती मतलब घूमते हैं, वे सब घूमते हैं। वायुयाने उत्पतता, ये अब द्विवचन का आ गया, दो वायुयान उड़ते हैं। आम्रे पतता, दो आम गिरते हैं। पुष्पे विकसता, दो फूल खिलते हैं। फिर से हम लोग बहुवचन का रूप देखिए, वाहनानी चलंती, कई वाहन चलते हैं। फलानी पतंती, कई फल गिरते हैं। तानी पतंती, वे सब गिरते हैं। वायुयानानी उत्पतंती, कई वायुयान उड़ते हैं। आम्राणी पतंती, कई आम गिरते हैं। पुष्पाणि विकसंती, कई फूल खिलते हैं। अब हम लोग बच्चों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखेंगे। एतत, एते, एतानी और लट लकार का अस्ति, इस्ता, संति के साथ इसके अर्थ को ध्यान से देखिएगा।
एतत किम अस्ति, एतत का अर्थ है यह, किम का अर्थ है क्या, अस्ति का अर्थ होता है, यह क्या है। एतत वायुयानम अस्ति, यह वायुयान है। अब इसका द्विवचन देखिए, एते, एते का अर्थ हुआ ये दो, और किम का द्विवचन के, और अस्ति धातु रूप का द्विवचन इस्ता होता है, तो यहाँ पर हुआ एते के इस्ता, ये दो क्या है। एते कमले इस्ता, ये दो कमल हैं। अब हम बहुवचन देखिए, यहाँ पे एते द्विवचन था ना, तो उसका क्या हो गया, एतानी हो गया, और के का बहुवचन क्या हो गया, कानी, और इस्ता का बहुवचन संति हुआ। बच्चों पहले बताए थे अस्ति एक वचन, इस्ता द्विवचन, और संति बहुवचन है लट लकार का। यहाँ पे एतानी कानी संति, इसका अर्थ हुआ ये सब क्या है। एतानी फलानी संति, ये सब फल है। अब हम बच्चों अभ्यास को देखते हैं। पहला है उच्चारण करो, आप इन शब्द रूपों का शुद्ध उच्चारण करते हुए इनको कॉपी में लिख लीजिएगा। दूसरा है उदाहरण देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे नपुंसक शब्द रूप का उदाहरण दिया गया है, आपको इसी उदाहरण के अनुसार जितने भी रिक्त स्थान हैं उनको भरना है। क नंबर को देखिए, पुस्तकानी, पुस्तकानी का अर्थ होता है कई पुस्तकें, इसका हमको एक वचन और द्विवचन के शब्द रूप लिखना है। तो पहला एक वचन का हुआ पुस्तकम, और जिसका अर्थ होता है एक पुस्तक। द्विवचन में पुस्तके, जिसका अर्थ हुआ दो पुस्तकें। अब हम ख देखते हैं, रुपयके शब्द रूप दिया हुआ है, तो रुपयके का अर्थ होता है दो रुपए, इसका एक वचन हुआ रुपयकम। रुपयकम का अर्थ होता है एक रुपया, और रुपयकाणी इसका बहुवचन रूप हुआ, जिसका अर्थ होता है कई रुपए। तीसरा देखिए बच्चों, उदाहरण के अनुसार वर्णों को जोड़कर लिखिए। बच्चों आपको स्वर और व्यंजन को जोड़कर शब्द बनाना है, ध्यान से देखिए। क नंबर, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण आए हुए हैं, और इनको हम जोड़कर शब्द कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा उदाहरण पर। क नंबर, ज प्लस ई प्लस ह प्लस व प्लस आ, इन स्वर व्यंजन को जोड़ने पर हमारा बनता है जिह्वा, जिसका अर्थ होता है जीव। ऐसे ख नंबर देखते हैं, ग प्लस अ प्लस च प्लस छ प्लस अ प्लस त प्लस ई, इन स्वर व्यंजन को जोड़ने पर हमारा धातु रूप बनता है गच्छति, जिसका अर्थ होता है जाता है। चौथा नंबर देखिए बच्चों, वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। जो शब्द दिए हैं उनको आपको अलग अलग करना है, जैसे उदाहरण में वर्णों को जोड़िए में अलग अलग किया गया ना स्वर व्यंजन को, वैसे ही आपको अलग अलग करना है, इसका अभ्यास जरूर करिएगा। पांचवा देखते हैं बच्चों, उदाहरण देखकर उचित मेल कीजिए। जो शब्द रूप दिए गए हैं उन शब्द रूपों को उनकी सही क्रियाओं के साथ, मतलब धातु रूप के साथ आपको मिलाना है। पहला है वायुयानम, इसका सही धातु रूप है उत्पत्ति। दूसरा है पुष्पाणि, पुष्पाणि बहुवचन है ना, तो इसका अर्थ होता है कई फूल। और विकसन्ति मतलब खिलते हैं, कई फूल खिलते हैं। फिर इसके बाद तीसरा देखिए, मित्रे, मित्रे का अर्थ होता है दो मित्र, द्विवचन है इसलिए इसमें धातु रूप भी द्विवचन का लगेगा, तो यहाँ पर गच्छता हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला, फलम, फलम के साथ पत्ति धातु रूप लगेगा, रुपयकाणी के साथ संति, और चक्राणी के साथ भ्रमंती लगेगा। फिर छठवां नंबर देखिए बच्चों, निर्देशानुसार वाक्य बदलिए।